तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ऑन योर यूट्यूब चैनल द ब्लॉगर विद कंप्लीट स्किल्स। तो हमारी वेब डेवलपमेंट की ट्यूटोरियल चल रही है, जिसके अंदर हम अभी सीएसएस को लर्न कर रहे हैं। हम सीएसएस को बहुत जल्दी यहां पर खत्म करने वाले हैं। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे बॉक्स शेडो के बारे में कि बॉक्स शेडो होती क्या है और काम कैसे करती है। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, हमारा बेसिक स्ट्रक्चर हम पूरा खड़ा कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम बात करेंगे बॉक्स शेडो की। यहाँ पर स्ट्रक्चर हमने यहाँ पर नॉर्मल सा हमारा डिफाइन कर लिया है। तो बॉक्स शेडो मतलब नाम से इसके पता लग रहा है कि एक बॉक्स है कि हम शेडो देते हैं। शेडो मतलब उसकी परछाई, जिससे कि हमारा जो भी कंटेंट रहता है वो और आकर्षक दिखने लग जाता है, मतलब एकदम चमचमाता दिखने लग जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बॉक्स शेडो का यूज करके देखेंगे। उससे पहले हम एक काम करते हैं, यहाँ पर हम एक बॉक्स को तैयार कर लेते हैं नॉर्मल हमारे HTML और CSS की हेल्प से। तो बॉक्स तैयार करने के लिए हम एक डिव ले लेते हैं और इस डिव को ही हम बॉक्स के रूप में यहाँ पर तैयार करेंगे। ठीक है, तो इसके अंदर हम एक कंटेंट भी लिख लेते हैं, द BWCS हमारे चैनल का नाम है जो कि। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसका आउटपुट दिखाता हूँ। तो आपको बहुत ही नॉर्मल सा इसका आउटपुट यहाँ पर दिखने वाला है हमारा। और जिन यूजर्स ने अभी तक हमारे चैनल द ब्लॉगर विद कंप्यूटर स्किल्स को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो देख सकते हैं आप, यहाँ पर कुछ भी नहीं आ रहा, ओनली हमारा नाम लिखा हुआ रहा है। ठीक है, तो हम इसकी स्टाइलिंग करके इसको बॉक्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं स्टाइल लिखता हूँ, तो यहाँ पर मैंने स्टाइल टैग दे दिया है और यहाँ पर मैं ड्यू को सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, ड्यू को यहाँ पर मैंने सिलेक्ट किया है। उसके बाद इसकी हाइट और विथ हम डिफाइन कर लेते हैं फटाफट से। तो 200px की हमने विथ दे दी है और वहीं 150 यहाँ पर इसकी हाइट दे देंगे हम। तो यहाँ पर हाइट हमने दे दी है 150px। ठीक है, अब एक काम करते हैं, बॉर्डर भी दे लेते हैं जिससे कि हमें पता लगेगा कि हमारा बॉक्स है। तो बॉर्डर में दे देता हूँ 2px सॉलिड ब्लैक। तो यहाँ पर ब्लैक मैंने यहाँ पर डिफाइन कर दी है यहाँ पर इसकी बॉर्डर। तो अब इसका आउटपुट देख लेते हैं सबसे पहले हम। तो ये हमारा कुछ इस तरह से बॉक्स आ रहा है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इसकी थोड़ी सी हम विथ कम कर लेते हैं जिससे थोड़ा ये व्यवस्थित दिखेगा। अभी क्या है, थोड़ा फैला हुआ दिख रहा है भाई ये। तो एक काम कर लेते हैं, 125 दे देते हैं इसकी विथ हम, तो जिससे कि हमें हमारे व्यवस्थित रूप से दिख रहा है। अब इसको एक काम करते हैं, थोड़ा पेडिंग और मार्जिन करके हम थोड़ा सा मार्जिन से हम सेंटर की ओर लाते हैं इसको। तो मार्जिन दे देता हूँ मैं चारों ओर से, तो दे दी थी मैंने यहाँ पर 300px की, यहाँ पर इसको मार्जिन अप्लाई कर दी है। तो जिसका आउटपुट यहाँ पर ये हमारा आ चुका है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, एक काम और कर लेते हैं, इसको हम बैकग्राउंड कलर भी दे लेते हैं। उसके बाद ही हम बात करेंगे हमारी शेडो की। ठीक है, तो बैकग्राउंड कलर में यहाँ पर कुछ इस तरह से हमने यहाँ पर बैकग्राउंड कलर भी यहाँ पर अप्लाई कर दिया है। ठीक है, तो अब बात करेंगे इसकी शेडो की, हम शेडो उसमें कैसे दे सकते हैं। तो HTML और CSS में हमारा सबसे बेस्ट काम यही लगता है मुझे कि हमें जो करना है टैग भी उससे रिलेटेड नाम से ही होते हैं। तो जैसे बॉक्स शेडो देनी है, तो यहाँ पर मैंने लिखा बॉक्स शेडो। ठीक है, तो यहाँ पर हमने बॉक्स शेडो लिख लिया है। तो ये x एक्सेस और y एक्सेस के रूप में काम करती है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या देना रहेगा कि y एक्सेस से हमें कितनी शेडो चाहिए। तो मैं यहाँ पर दे देता हूँ जैसे 10px। ठीक है, फिर x एक्सेस से कितनी चाहिए, तो मैं अभी 0 कर रहा हूँ क्योंकि आपको समझ में पड़े, इसलिए मैं यहाँ पर y एक्सेस भी 0। अब आपको इसको ब्लर कितनी रखनी है, तो ब्लर मुझे रखनी है मान लीजिए 5px अभी रखनी है। ठीक है, और इसका फैलाव कितना होना चाहिए, इसका फैट कितना होना चाहिए, ये भी हमें यहाँ पर बताना होगा। तो अभी इसको हम एक काम करते हैं, नॉर्मली लिख देते हैं 5px है इसको भी। ठीक है, और कलर कौन सा होना चाहिए, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ग्रे। ठीक है, तो ग्रे कलर में हमारी बॉडी का शेडो आना चाहिए हमारा ये। तो आप देख सकते हैं इसका शेडो ये कुछ इस तरह से आ रहा है हमारे वाई एक्सेस पे। अब इसको हम एक्स एक्सेस पे भी कर देते हैं यहाँ पर, तो इसमें कुछ हमारा अल्टर आएगा देखिएगा। तो मैं यहाँ पर एक्स एक्सेस पे भी 10px से कर लेता हूँ, कंट्रोल एस किया है भैया मैंने, और देख सकते हैं इसका फेड थोड़ा सा और ज्यादा यहाँ पर हमारा बन रहा है। ठीक है, तो ये यहाँ पर बन गया है हमारा। तो अब इसके बाद हमें इसका फेड और बढ़ाना है, तो फेड हम देखिए और इसका फैलाव मैं यहाँ पर करके बढ़ा सकता हूँ। तो ये देख सकते हैं ये और ज्यादा फेड हो गया, ये और ज्यादा फैल चुका है। तो इसी तरह से हम ब्लर का भी यूज कर सकते हैं, हमें ब्लर कितना रखना है
उसको हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो पहले मैं इसको एक काम करता हूँ, यहाँ पर 10px यहाँ पर कर देता हूँ। तो मैं इसको ये 10px कर दिया और इसका ब्लर अब हम बढ़ा कर देखते हैं, जिससे कि आपको अल्टर पता लगेगा। ये 20px किया तो ये ब्लर, आपका ब्लर लेवल जो रहेगा ये देख सकते हैं, ये ब्लर लेवल हमारा यहाँ पर बढ़ चुका है 20px में। तो कुछ इस तरह से हमारा बॉक्स शेडो यहाँ पर काम करता है। आप इसे इमेज पे भी अप्लाई कर सकते हैं और किसी बॉक्स वगैरह पे भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी हमने इसको नॉर्मल कर लिया है। अब इसी तरह मान लीजिए कोई गोला बनाना हो आपको, तो वो भी बना सकते हैं आप, वो भी बहुत ही ईजी वे में। अभी हम बॉर्डर जब पढ़ रहे थे, हम बॉर्डर की रेडियस देना भूल गए थे, उसकी गोलाई में कैसे कन्वर्ट करते हैं ये करना भूल गए थे, तो उसको भी हम आज समझ लेते हैं। तो यहाँ पर हमने जैसे बॉर्डर दी है, तो हमें किसी को कर्व में कोई बनाना है, तो हमें यहाँ पर बॉर्डर को क्या करना पड़ता है, बॉर्डर रेडियस के रूप में यहाँ पर देना पड़ता है। जैसा कि आप दे देंगे, मुझे फुल गोलाई में चाहिए, तो मैं यहाँ पर 50% कर देता हूँ। आप परसेंट में भी यहाँ पर इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो आप जो बॉक्स देख रहे थे, ये पूरा हमारा गोल हो गया, और ये यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा फेड हमारा गोल के रूप में हो गया, और इसकी शेडो भी पूरी आ चुकी है। तो इसी तरह से हम इसको बहुत अच्छे से अप्लाई कर सकते हैं। तो रेडियस को भी आप दे सकते हैं 50%, 20%, पीएक्स में भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो आप इसे कर देखिएगा, ठीक है। तो अब हमारी अगली बात आती है हमारी टेक्स्ट के ऊपर शेडो की। जैसे हमने बॉक्स के ऊपर दिया, ऐसे हम टेक्स्ट के ऊपर भी दे सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। बाकी वो तो और आसान हो जाती है, उसमें हमें ज़्यादा बटाई और नहीं करना पड़ती है। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ टेक्स्ट शेडो, ठीक है। टेक्स्ट की शेडो देना है, इसलिए टेक्स्ट शेडो हमने यहाँ पर लिख दिया बहुत ही आसानी से। तो इसमें क्या होता है, वाई एक्सेस और एक्स एक्सेस ही हमें देना पड़ता है, और साथ में हमें इसका कलर डिफाइन करके बताना रहता है, और कुछ भी नहीं रहता। तो जैसे कि मैंने यहाँ से दे दिया 2px हमारा वाई एक्सेस से, और 2px से ही हमने दे दिया हमारा एक्स एक्सेस से। उसके बाद शेडो कौन से कलर की आए हमारी, तो हमने बोल दिया रेड दे देना भैया, थोड़ी चमकीली एकदम दिखना चाहिए, इसलिए हमने इसको रेड में कन्वर्ट किया। तो आप देख सकते हैं, तो इसकी रेड शेडो यहाँ पर हमें दिख रही है पीछे की ओर, ठीक है। तो आप इसका कलर वगैरह भी चेंज कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। और इसमें थोड़ा सा और अल्टर देते हैं, हम एक काम करते हैं कि वाई एक्सेस की हम थोड़ी और बढ़ा देते हैं, 5px कर दी, तो अब कैसा दिखेगा भैया हमारा शेडो। तो आप देख सकते हैं हमारा शेडो कुछ इस तरह से यहाँ पर दिखने वाला है। तो ये सारी चीज़ें, इनका कैलकुलेशन वगैरह सब आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उससे ही आपको आने वाला है। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर जरूर कीजिएगा। और हमारी वेब डेवलपमेंट सीरीज़ की आप ये पहली वीडियो देख रहे हैं, तो आप पुरानी वीडियो को भी जाकर एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में।